हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी को जिसका नाम है ट्विस्टबॉर्न। कहानी के स्टार्ट होते ही हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसका नाम गेमा होता है। उसे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाले बंदे का नाम गोचको होता है। वो उसे फ़ोटो एग्जीबिशन देखने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद हम गेमा के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम गैलियानो होता है। वो उसे गोचको के फ़ोन कॉल के बारे में बताती है। गोचको ने उसे फ़ोटो एग्जीबिशन देखने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर गैलियानो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है गोचको अभी तक जिंदा है। इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है उनका एक बेटा भी है जिसका नाम पिएट्रो होता है। पिएट्रो का अपनी मॉम के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन गेमा उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं गेमा पिएट्रो को लेकर उस सिटी में पहुंच जाती है जहां पर गोचको उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो एक कैफ़े में जाकर लंच करते हैं। पिएट्रो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चला जाता है। तब गोचको कहता है पिएट्रो एक डिसेंट बॉय है। तब गेमा कहती है वो अपने फादर पर गया है। ये सुनकर गोचको थोड़ा स्माइल करता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम एक यंग गेमा को देखते हैं और यहाँ पर यंग गोचको उसके साथ होता है। जब गेमा पहली बार इस सिटी में आई थी तब गोचको उसका गाइड था। वो वहाँ पर रिसर्च के लिए आई थी। उसे गाइड करने के लिए वो गोचको को अच्छा पैसा देने की बात करती है। ये बात सुनकर गोचको थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसे होर कहकर बुलाता है। गेमा ये सुनकर नाराज़ हो जाती है और गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगती है। वो गेमा से गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट करता है। तभी स्नोफॉल होने लगता है और वो गेमा से कहता है तुम यहाँ पर गुड लक लेकर आई हो, क्योंकि ये इस सीजन का पहला स्नोफॉल था। इसके बाद वो डिनर कर रहे होते हैं। गोचको को गेमा से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर वो पहली बार अमेरिकन लड़के डियागो से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और पहली बार में ही इन दोनों की नज़रों में एक स्पार्क नज़र आता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। गोचको इन दोनों को नोटिस कर लेता है। डियागो गेमा से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। गेमा कहती है कुछ साल पहले मैं एक रिलेशनशिप में थी, अब नहीं हूँ। लेकिन डियागो अभी तक सिंगल होता है। वो गेमा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो यहाँ से जाने वाला था। कल गेमा भी यहाँ से जाने वाली थी। फिर ये दोनों डांस करते हुए स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं। इसके बाद गोचको अपनी बहन से मिलवाने के लिए उसे लेकर आता है। उसकी बहन ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। गेमा उसे अपनी गोद में उठाती है। डियागो से पूछता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है, क्योंकि डियागो को बच्चे पसंद थे। इसके बाद गोचको डियागो और गेमा को अपने घर लेकर आता है। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। आधी रात को डियागो गेमा के रूम में आता है और वो उसे प्रपोज करता है। इसके बाद वो उसकी जमकर खुदाई करता है। इन लोगों की आवाज़ सुनकर गोचको स्माइल करता है। खुदाई करने के बाद डियागो गेमा से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद अगले सीन में हम गेमा को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड कोई और ही है बनने वाला था और शादी के एक दिन पहले उसने डियागो से खुदाई करवाई थी। कुछ टाइम गुजर जाता है। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है और गेमा अपने डैड के यहाँ वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डियागो गेमा से मिलने के लिए रोम आ जाता है। गेमा के डैड डियागो को देखकर बहुत खुश होते हैं। गेमा डियागो से कहती है तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स की बात सुनकर डियागो बहुत खुश हो जाता है और वो गेमा से कहता है मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद वो गेमा को अपने बचपन की एक चेयर गिफ्ट करता है। इसके बाद डियागो गेमा को एक बोट पर डिनर करने के लिए लेकर आता है। उसने इस बोट को गेमा की नेकेड फोटोज से सजाया हुआ था जो उसने खुद क्लिक की थी जब वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी। गेमा डियागो से पूछती है आखिर तुम अपना खर्चा कैसे निकालते हो, फोटोग्राफी से तुम इतना कमा लेते हो। डियागो गेमा से कहता है मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हर दिन मेरे साथ एक पार्टी की तरह होगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर गपागप करते हैं। फिर गेमा डियागो को बताती है जब हम दोनों पहली बार इंटीमेट हुए थे तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो बच्चा उसने खो दिया था। उस बच्चे में कोई भी हार्ट बीट नहीं थी। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में गोचको गेमा से पूछता है क्या उसने कभी तुमसे कहा था वो तुमसे कितना प्यार करता है। गेमा कहती है कभी नहीं। तब गोचको कहता है लेकिन तुम दोनों उस टाइम एक दूसरे के प्यार में थे। इसके बाद वो लोग एग्जीबिशन देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर पिएट्रो एक फोटो देखता है जिसमें किसी की नेक पर जलने का निशान था और उस निशान पर एक टैटू बना हुआ था। पिएट्रो गेमा से पूछता है क्या ये फोटो डियागो की है। तब गेमा कहती है नहीं ये फोटो तुम्हारे डैड की नहीं है। पिएट्रो को ये बात सुनकर अजीब लगता है कि उसने डियागो को उसका डैड क्यों कहा। इसके बाद फ्लैशबैक में गेमा डियागो को अपने अल्ट्रासाउंड की पिक दिखाती है। डियागो वो पिक देखकर उस बच्चे का नाम पिएट्रो रखता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं डियागो गेमा का फोटो शूट कर रहा था। गेमा बहुत जोर से उछल कूद कर रही थी। डियागो नोटिस करता है गेमा की टांगों के बीच से ब्लड आ रहा है। गेमा का मिसकैरेज हो गया था। इसके अगले सीन में गेमा हॉस्पिटल में होती है।
और वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। डियागो उसे समझाता है कि इसका मतलब है ये हमारा पिएट्रो नहीं है, जब पिएट्रो को आना होगा तब आकर रहेगा। इसके बाद वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में डॉक्टर से हमें पता चलता है गेमा कभी भी मदर नहीं बन सकती, उसके एक्स काफी वीक हैं, जिसकी वजह से उसका हर बार मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर कहता है तुम बिना किसी बच्चे के भी अपनी लाइफ जी सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों काफी दूर एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं। थेरेपिस्ट उनका इंटरव्यू लेती है, आखिर वो बच्चा क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर गेमा कहती है वो डियागो को खोना नहीं चाहती, अगर वो डियागो को बच्चा नहीं दे पाई तो डियागो उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि डियागो को बच्चे बहुत पसंद थे। इसके बाद डियागो का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर वो अपने पास से जुड़ा हुआ कुछ बताता है। वो वहाँ पर बताता है उसे ड्रग्स की लत थी और वो कुछ क्राइम भी कर चुका है, लेकिन गेमा के आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर हमें पता चलता है डियागो के क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये सब बताते हुए उस थेरेपिस्ट को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी चाहती थी गेमा और डियागो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बनते। इसके बाद हम देखते हैं अडॉप्शन ना मिलने की वजह से गेमा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, और वो डियागो से कहती है तुम्हें एक दिन अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए काबिल होगी। डियागो गेमा की बात सुनकर कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हमें बिना बच्चे के रहना सीखना होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों गोचको से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उसके फ्रेंड के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद गोचको उन्हें एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ स्टे कराता है। गोचको गेमा से पूछता है तुम लोग बच्चे का प्लान कब कर रहे हो। गेमा गोचको को बताती है मैं कभी मदर नहीं बन सकती। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में गेमा पिएट्रो से पूछती है क्या उसे गोचको की बेटी पसंद है। वो मना करके कहता है उसे इटालियन लड़कियां पसंद हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम कुछ लोगों को डांस करता हुआ देखते हैं। यहां पर हम फर्स्ट टाइम अस्का से मिलते हैं। अस्का को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, वो बस में गेमा से मिलती है और उसे अपने पैशन के बारे में बताती है। उसे लंदन जाकर म्यूजिशियन बनना है और जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए। एक्चुअल में गोचको ने अस्का को सरोगेसी के लिए मना लिया था। अस्का गेमा से कहती है उसे ये सब नेचुरल तरीके से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्का डियागो से खुदाई करवाने के लिए रेडी थी। गेमा उसकी बात को सुनती है और उसे पता चलता है अस्का डियागो में इंटरेस्टेड है, तो वो उसे मना कर देती है। लेकिन हम अगले दिन देखते हैं गेमा अस्का और डियागो को एक रूम में अकेला छोड़ देती है और अब उसे ये सब नेचुरल तरीके से करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी गोचको गेमा से कहता है वो दोनों अंदर घपा घप कर रहे हैं और किस्मत हमारे मजे ले रही है, हमें भी आंखें बंद करके एक दूसरे के साथ घपा घप करना चाहिए, पता नहीं कल हम जिंदा बचे या नहीं। एक्चुअल में गोचको स्टार्टिंग से ही गेमा को लाइक करता था, लेकिन गेमा डियागो से प्यार करती है इसलिए वो गोचको के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और गोचको से कहती है तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं पिएट्रो गेमा पर बहुत चिल्ला रहा होता है, उसे ये प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गेमा से पूछता है वो उसके डैड के साथ ऑफिसर्स क्लब में क्यों नहीं जाती और ना ही उस सोसाइटी में रहना पसंद करती है। वो सिर्फ यहाँ पर डियागो के लिए आई है, ना कि अपने बेटे के लिए। वो डियागो के लिए बहुत ही गाली देता है। ये सब सुनकर गेमा कहती है तुम डियागो को एक बार अपना डैड कहकर क्यों नहीं बुला सकते। पिएट्रो ये सुनने के बाद रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है 1992 में यहाँ पर वॉर छिड़ी हुई थी। यहाँ पर हम डियागो को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ था। वो गेमा को बताता है उस रात उसका अस्का के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। इसके चलते वो गेमा से भी दूर होता जा रहा था और वो गेमा से कहता है पूरी दुनिया नर्क बनी हुई है, वॉर की वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर एक दिन गेमा देखती है डियागो चुपके से किसी के लिए खाना लेकर जा रहा है, वो उसे फॉलो करती है। इसके बाद वो देखती है अस्का प्रेग्नेंट है और डियागो उसके लिए खाना लेकर आया था। डियागो गेमा से कहता है मुझे पता था तुम मेरा पीछा कर रही हो, उस दिन मैं अस्का के साथ इंटीमेट हुआ था और मैंने उसके साथ काफी सारी रातें गुजारी हैं। गेमा पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते हो। डियागो कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद गेमा अपने लिए पूछती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो। डियागो उसे कोई भी आंसर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वॉर की वजह से वहाँ के लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। डियागो अस्का के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी बहुत केयर करने लगा था, वो उसके लिए खाना लेकर जाता है। गेमा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे कहती है तुम अब मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। गेमा अस्का के पास आती है, फिर अस्का उससे कहती है इस बच्चे का जन्म होते ही वो उसे ये बच्चा दे देगी। इसके बाद हम देखते हैं अस्का को लेबर पेन होने लगता है, उसके डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। डियागो और गोचको उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन गेमा दूर से ही उसे देख रही थी। इसके बाद अस्का एक बेटे को जन्म देती है,
तब गेमा उसे पैसे देकर वो बच्चा ले लेती है। उस बच्चे को लेकर वो रोम जाने की तैयारी करती है, लेकिन डियागो के पास पासपोर्ट ना होने की वजह से वो उसके साथ नहीं जा पाता और गेमा को अकेले ही जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक ऑफिसर मिलता है जो गेमा को बच्चे के साथ अकेला देखकर उसे लिफ्ट देता है। ये ऑफिसर वही होता है जो प्रेजेंट टाइम में गेमा का हस्बैंड होता है। वो ऑफिसर उस बच्चे की काफी केयर करता है और गेमा भी उसे अपना बेटा मानती है। इसके बाद वो अपने डैड के पास आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है डियागो मर चुका है। समुद्र में डूबने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में गोचको अपनी सिस्टर और नीज की कब्र पर आता है, जो वॉर के दौरान मर गए थे। वहाँ पर गेमा गोचको से पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? गोचको कहता है, हाँ, और मेरी एक बेटी भी है। इसके बाद गोचको उन्हें अपनी फैमिली से मिल पाने के लिए लेकर आता है। गेमा गोचको की बेटी से मिलती है और घर के अंदर आकर वो अस्का को देखती है और शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है अस्का गोचको की वाइफ है। गेमा को लगता है ये सब गोचको का प्लान था यहाँ बुलाने का, अब वो उससे पेट्रो को छीन लेंगे। अस्का कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने बेटे को एक बार देखना चाहती थी। जब अस्का पेट्रो को विंडो से देख रही होती है, तब गेमा को अस्का की नेक पर वही निशान दिखाई देता है जो उसने फोटो में देखा था। गेमा कहती है उसे लगा था अस्का मर चुकी है, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो और बच्चे पैदा कर रही हो। अस्का कहती है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दिन गेमा अस्का और डियागो को खुदाई करने के लिए रूम में छोड़कर गई थी। अस्का डियागो से कुछ खाना लेकर आने के लिए कहती है। डियागो जब नीचे जाता है, तब वहाँ पर उसे कुछ स्नाइपर दिखते हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों को गोली मार रहे थे, जिन्हें देखकर डियागो छुप जाता है। फिर वो स्नाइपर ऊपर आते हैं, जहाँ पर उन्हें अस्का एक रूम में नेकेड मिलती है। फिर वो लोग मिलकर अस्का का रेप करते हैं। डियागो ये सब छुपकर देख रहा होता है, क्योंकि अगर वो सामने आता तो वो लोग उसे भी मार देते। रेप करने के बाद एक स्नाइपर अस्का की नेक पर एक जलती हुई सिगरेट लगा देता है। अस्का दर्द की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। इसके बाद वो स्नाइपर अस्का को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर उसकी जैसी काफ़ी सारी लड़कियाँ किडनैप होती हैं। कुछ टाइम के बाद डियागो स्नाइपर की फ़ोटो क्लिक करने के लिए आता है, क्योंकि वो एक न्यूज एजेंसी के लिए काम कर रहा था। वहाँ पर उसे अस्का भी दिखती है। डियागो स्नाइपर्स को पैसे देकर उसको छुड़ा लेता है और उसे अपने साथ ले आता है। फिर उसे पता चलता है अस्का की बॉडी पर काफी सारे फ्रैक्चर हैं और काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। उन्हीं स्नाइपर की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। एक्चुअल में जिसे गेमर डियागो का बेटा समझ रही थी, वो डियागो का नहीं था। डियागो के इंटीमेट होने से पहले ही उन स्नाइपर्स ने अस्का का काफ़ी बार रेप किया था। अस्का को ये भी नहीं पता था वो उन स्नाइपर्स में से किसका बच्चा है। वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन डियागो ने उसे बच्चा पैदा करने के लिए मना लिया था, क्योंकि वो ये बच्चा गेमा को देना चाहता था, जो माँ ना बनने की वजह से सदमे में थी। गेमा को पता भी नहीं चलता ये बच्चा डियागो का नहीं है, इसीलिए अस्का को उस बच्चे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और आसानी से उसने ये बच्चा गेमा को दे दिया। इसके बाद डियागो ने अस्का की नेक पर उस जले हुए निशान पर एक टैटू बना दिया, जिससे वो जले हुए निशान को कवर कर सके, और फिर उसकी एक फ़ोटो ले ली। बाद में डियागो अपने कैमरे को उसी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसके अगले सीन में हम उसे एक चट्टान पर खड़ा होकर ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। फिर वो समुद्र में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और गेमा अस्का को गले लगाकर बहुत रोती है और उसे रियलाइज होता है अस्का किस दर्द से गुजरी है। इसके बाद अस्का नीचे आती है और पेट्रो को बहुत गौर से देखती है। फिर ये सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। जाते टाइम अस्का पेट्रो से उसका ड्रीम पूछती है, क्या तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो? क्योंकि अस्का भी म्यूजिशियन बनना चाहती थी। पेट्रो कहता है, नहीं, मैं एक 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। फिर वो उसे प्यार से टच करती है और गेमा उसे लेकर वापस चली जाती है। अब पेट्रो की उन सब लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।